कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं किताब कहानी, कैसे लिखूं मन की बात, जमा गुणा घटा सीख कर कैसे चलूं जग के साथ, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं, कैसे पढ़ूं, कैसे लिखूं। जागी है अब आस, पंख मिलेंगे सपनों को अब मन में है विश्वास, मन में है विश्वास। नमस्कार साथियों, आपको याद है ना, अपने पिछले कार्यक्रम में हमने एक से 5 तक के अंकों की पहचान और उन्हें लिखना सीखा था। अब कुछ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इन संख्याओं के बारे में। 6, 7, 8, 9। अपने चारों तरफ नजर दौड़ाइए, घर के बाहर, दुकान पर, बस अड्डा, गली, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, आपकी इन संख्याओं से जरूर होगी मुलाकात। देखिए कहां लिखा है गली नंबर 5। चलिए आपसे मिलते हैं डाकघर में। डाकघर की खिड़की पर नजर डालिए, किस खिड़की पर लिखा है नंबर 8। रानी पहुंच गई चिकित्सालय अपने बेटे को पोलियो की ड्रॉप्स दिलवाने। अब उसे कमरा नंबर 6 में पहुंचना है। आइए उसके साथ मिलकर ढूंढिए कमरा नंबर 6। ये भाई साहब बस अड्डे पर तो पहुंच गए, इन्हें 9 नंबर की बस में बैठना है। आइए इनकी मदद करें 9 नंबर पहचानने में। और अब समय है कहानी सुनने का। कहानी सुनना सुनाना तो सबको पसंद है, तो आइए जानते हैं आज की कहानी क्या है। कहानी का नाम है कितने ऊंट, 8 या 9। एक है भोला भाई, वो रेगिस्तान में अपने ऊंटों के लिए पानी की तलाश में चले जा रहे हैं। उनके पास 1, 2, 3 नहीं, पूरे 9 ऊंट हैं। चलिए हम भी गिन लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। कुछ दूर चलने के बाद भोला भाई एक ऊंट पर सवार होकर चलने लगे। तभी उन्हें सूझा, क्यों ना अपने ऊंटों की गिनती कर ली जाए, कहीं कोई इधर उधर न रह गया हो। उन्होंने ऊंट गिने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ऊंट गिनती में 8 निकले। निराश होकर वे ऊंट से नीचे उतर गए, उदास मन से फिर ऊंटों को गिना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अरे ये तो 9 ऊंट वहीं थे। चलो ये अच्छा हुआ, 9 ऊंट मिल गए, अब इत्मीनान से एक ऊंट पर सवार हो जाता हूं। फिर से ऊंटों की गिनती की, अब 8 ही ऊंट थे। भोला भाई उलझन में हैं, समझ नहीं पा रहे कि एक ऊंट कहाँ खो जाता है। चुपचाप ऊंट की आराम की सवारी छोड़कर नीचे ही उतर गए।
सोच रहे हैं, पैदल चलते चलते थक तो जाऊंगा, पर पूरे 9 ऊंट तो रहेंगे, कोई गायब तो नहीं होगा। कहानी तो आपने सुन ली, भोला भाई के साथ 1 से 9 की गिनती भी खूब गिनी। क्या आप 1 से 9 तक के अंक अब पहचान लेते हैं? क्यों ना आप कुछ प्रश्न पहेली हो जाए। वह कौन सी संख्या है जिसे इस हाथ के चित्र को देखकर एकदम आपको याद आ जाती है? 3 जवाब यहां लिखे हैं। सही जवाब को हाथ से मिलवाइए। ठीक पहचाना आपने, ये है 5। अब मेरा दूसरा सवाल। इस बाजार में 9 दुकानें हैं, आपको गेहूं लेना है, आप किस नंबर की दुकान पर जाएंगे? आप ठीक सोच रहे हैं, बता भी दीजिए। आप जाएंगे 6 नंबर की दुकान पर, यानी राशन की दुकान। अब तीसरा सवाल। खेत में कितनी महिलाएं काम कर रही हैं? 9, 5, 4 या 7 गिनकर बतलाइए, क्या ठीक है? ठीक पहचाना आपने, ये है 7। आज हमने प्रश्न पहेलियां पूछी, बूझी, कहानी सुनी। एक बात हम भूल ही गए कि ये अंक हम लिखते कैसे हैं, 6 से 9 तक को कैसे लिखेंगे। चलिए पहले दोहरा लेते हैं पिछले कार्यक्रम में सीखे गए 1 से 5 तक की संख्याओं को। 1, 2, 3, 4, 5 और अब देखें कैसे लिखते हैं 6। कोशिश कीजिए आप भी इसे लिखने की। अब कुछ ऐसे घुमाइए और नीचे गोल बनाइए। कितनी जल्दी से बना लिया। 6 के बाद लिख कर देखते हैं 7। 7 लिखना तो बहुत आसान है, एक बड़ी रेखा, उससे जुड़ी एक तिरछी रेखा। 6, 7 और अब 8, 2 गोले 1 साथ, 8 के ऐसे ठाट। 6 याद है ना? बस अब 9 लिखने में इसी को उलट देना है, पहले गोल फिर घुमाया। अरे वाह, अब तो आप 1 से 9 की गिनती पहचान लेते हैं। अब इसको लिखने का अभ्यास कीजिए। आज चलने से पहले आपको लिए चलते हैं एक फैक्ट्री में जहां कई श्रमिक काम करते हैं। सुबह आकर अपना टूल बॉक्स लेते हैं, वर्दी और टोपी पहनते हैं, शाम को स्टोर में जमा करते हैं। कोई सामान इधर उधर नहीं होता और आसानी से बिना उलझन के मिल जाता है। देखिए इन्होंने इसके लिए क्या किया है। ये फैक्ट्री का स्टोर है जहां श्रमिकों के लिए रखी गई हैं वर्दियां। आप देखिए सब पर नंबर लिखे हैं। श्रमिक एक एक करके आते हैं, अपने नंबर की वर्दी पहनते हैं, टोपी लगाते हैं, टूल बॉक्स लेकर काम पर चले जाते हैं। बिना किसी गड़बड़ झाले के काम चलता रहता है और शाम को सभी सामान स्टोर में जमा हो जाता है। क्या आप भी कुछ ऐसा सोच सकते हैं जिससे संख्याओं को एक क्रम में लिखने से काम आसान हो जाए? सोचिए, साथियों से बातचीत कीजिए। अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। नमस्कार।